खबर हांडिया प्रयागराज से है, जहां थरवाई थाना क्षेत्र के खेवरासपुर गांव में अज्ञात लोगों द्वारा सोते समय हमला कर धारदार हथियार से 5 लोगों की सामूहिक हत्या कर दी गई, जिससे प्रयागराज जनपद एक बार फिर दहल उठा। घटना को अंजाम देने के बाद घर में अपराधियों ने आग लगा दी। खेवरासपुर गांव के राजकुमार यादव 55 और उनकी पत्नी कुसुम देवी 53, विकलांग बेटी मनीषा 24 तथा घर की संविता 22 और मासूम मीनाक्षी 2 सोए हुए थे। तभी अज्ञात लोग धारदार हथियार से हमला बोल दिया, जिसमें 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक महिला जिंदगी और मौत से जूझ रही है, उसकी भी थोड़ी देर के बाद मौत हो गई। इस घटना की सूचना गांव वालों को हुई तो सनसनी फैल गई। वही सूचना आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए, न कि सूचना आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई, जिससे घटना स्थल पर भारी भीड़ जमा हो गई। इसके पहले नवाबगंज के खागलपुर गाँव में 15 अप्रैल की रात 5 लोगों की सामूहिक हत्या की गयी थी। घटना के बाद प्रशासन भी पूरा एक्शन मोड में आ गया है। अब देखना है घटना का खुलासा कब तक होता है। हांडिया से एसके सिंह पटेल की रिपोर्ट। उनके परिजनों को भी समझा दिया गया है, वो काफी हद तक समझ गए हैं। जांच पड़ताल पूरी करके निष्कर्ष निकाल दिया जाएगा। ये दोनों पक्ष जो भी तहरीरें देंगे उसको तत्काल मुकदमे में उसको दर्ज कर लेंगे। ससुराल पक्ष के कुछ लोग कह रहे हैं कि बॉडीज को यहाँ मंगवाइए। हमने इनको समझा दिया है कि चूंकि आग लगी हुई थी घर में, इसलिए बॉडी को हटाना जरूरी था, वरना उनकी पहचान भी करना मुश्किल हो सकता था। ये चीजें इनको समझा दी गई हैं, मान गए हैं। इनको कहा गया है कि जो कुछ भी लिखना हो लिख के दे दें, बाकी अभी परिजनों को और इनके ससुराल वालों को वहां पर ले जा करके मोर्चरी सभी को बॉडी दिखा दी जाएंगी। जो भी लिखेंगे उसी आधार पे कार्रवाई होगी और पुलिस टीमें जो सच्चाई होगी उसको बहुत जल्दी निकाल के आपके समक्ष रख देंगे। अभी सर कोई मतलब रंजिश या किसके तहत कोई? फिलहाल कोई रंजिश की बात नहीं सामने आ रही है। जैसा कि कुछ ससुराल पक्ष के भी आए थे, ससुराल पक्ष से मेरा तात्पर्य है जो मृतका सविता हैं, उनके कुछ भाई ममेरे भाई मौसेरे भाई यहाँ पे आ गए हैं, तो उनका बहुत क्लियर कुछ अभी वर्जन नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो कुछ भी लिख के देना हो उसको दे दे, ताकि पुलिस अपनी तहकीकात में उस सब चीजों को शामिल कर ले। इसके अलावा पुलिस इस एंगल पे भी काम कर रही है कि मायका और ससुराल पक्ष के अलावा भी कोई थर्ड पर्सन का भी इसमें हाथ हो सकता है। हो सकता है इन दोनों को भी कोई जानकारी ना हो, इस तरह की घटना हो गई हो, तो उस पे भी एंगल पे काम करेंगे। लेकिन हमारा पहला कर्तव्य है कि जो इनके परिवारी जन लिख कर दे रहे हैं उस पे भी हम अपनी एक टीम दो टीमें लगाएंगे। बाकी हम 5 टीमें अभी गठित करे हैं, जल्दी इसको 7 टीमें हम बना रहे हैं। 7 टीमों को रवाना करके सच्चाई को शाम तक क्लियर कर देंगे। धन्यवाद। सर एक चीज, सर ये जो कुसुम देवी को बताया गया कि उनकी सांसें चल रही, उनका क्या है? हाँ, मैंने अभी बता दिया आपको कि कुसुम देवी जो कि जब पुलिस टीम पहुंची थी उनकी सांसें चल रही थी, तो पुलिस का कर्तव्य था कि तत्काल उनकी जीवन रक्षा की जाए, तो तत्काल उनको यहाँ से अस्पताल रवाना किया गया था, परंतु उनकी भी मृत्यु हो गई है, ये सूचना मिली है। तो कुल 5 मृत्यु है, एक बेटी जो 5 साल की वो बच्ची। घर में कुछ लूटपाट भी हुई है? बहुत क्लियर नहीं है, क्योंकि बेडरूम में मैंने पहले भी बताया कि बेडरूम में आग लगी हुई थी, जो आग को बुझाया गया है। अब उसमें साक्ष्य कलेक्ट किए जा रहे हैं, क्योंकि अभी भी आग के उसमें अवशेष हैं, उसमें जाना मुश्किल हो रहा है, तो इसलिए वो चीजें बाद में निकल के आ सकती हैं।